कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो जी शीशन बिंग लाइकली टू स्किप G20 समिट इन इंडिया, शायद मुझे नहीं लगता कि वो स्किप करेंगे। चलिए खैर जानते हैं मेजर साहब की इस वीडियो में, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चाइना ने जबरन कब्जा कर रखा है टिबेट पे एंड टिबेट इज अ कंट्री, हैज बीन अ कंट्री, विल ऑलवेज बी अ फ्री कंट्री एंड चाइना शुड गेट आउट ऑफ टिबेट। ये निकले वहाँ बीच में पट करके खालिस्तानी भी आ गए बीच में। हम मेट्रो स्टेशन पे ना हम ग्रेफिटी बनाएंगे। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़बरदस्त सुसाइड अटैक हुआ है, मोटरसाइकिल पर बंदा आया, खुदकुश। टिबेट इज अ कंट्री, हैज बीन अ कंट्री, विल ऑलवेज बी अ फ्री कंट्री एंड चाइना शुड गेट आउट ऑफ टिबेट। जैन दोस्तों, मैं हूं बेजो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों 8 से लेकर 10 सितंबर दिल्ली में हो रही है G20, शायद सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक पर्व भारत का आज तक 75 साल तारीख में, सबसे बड़ा। इससे बड़ा डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव कह लीजिए, मीटिंग कह लीजिए, समिट कह लीजिए, जो शब्द आपको देना है दे लीजिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं हुआ आज तक। बड़े बड़े और इवेंट हुए हैं लेकिन जैसे स्पोर्टिंग इवेंट वगैरह वगैरह, लेकिन डिप्लोमेटिक इवेंट जहां पे इतने वर्ल्ड लीडर्स एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं भारत में, मेरी याद में आज तक नहीं हुआ दोस्तों। तो ऐसा है कि जब ऐसा होता है तो खटपट होती है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं आप इधर देखिए, जो बाइडेन आएंगे, शी जिनपिंग की अभी चूंपा चूंपा हो रही, आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है अपने प्रीमियर को भेजें। अच्छा व्लादिमीर पुतिन का यह है कि व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर तो अरेस्ट वारंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया कि पकड़ के अंदर करो। कितने सारे दो दर्जन वर्ल्ड लीडर्स यहां पे आके दिल्ली में खड़े हो जाएंगे। अब अगर सरकार ने बोल दिया कि दो दिन दिल्ली के इलाकों में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लगभग लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन वर्ड यूज नहीं कर रहा, लगभग लॉकडाउन होगा, बिजनेसेस बंद, ये बंद वो बंद, तो क्या दिक्कत है इसमें? क्यों कुछ चंद पार्टीज ये कह रही कि साहब ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं होना चाहिए यार, मैं तो कह रहा हूं होना चाहिए, और मजबूती होनी चाहिए और सख्ती होनी चाहिए। जब आपके हमारे घर में शादी होती है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो क्या आप अपना कमरे में कुंडी डाल के बंद कर देते हैं और दुनिया भर के मौसा और फूफा कमरे के अंदर आके बैठे रहते हैं 24 घंटे? एक शादी का माहौल होता है, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, घर वाले क्या बोलते हैं कि दोस्तों के साथ मत घूमना, शादी का घर है 10 काम है, होता है कि नहीं होता फिर? तो भाई जब एक घर में शादी होती है, जब इतने रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, ये तो पूरे देश का पर्व है। वी शुड टेक प्राइड, हमें गर्व होना चाहिए कि G20 के हम प्रेसिडेंट हैं और हम लोग इसको, हमारी प्रेसिडेंसी में ये सब हो रहा है G20 में, फिर भी लोग उसमें कीड़ा ढूंढ, यार देखो जिसकी कीड़े ढूंढने की आदत है ना, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको हर चीज़ में आप बोलोगे ना ये काजू कतली खा ले, वो बोलेगा यार ये सफ़ेद क्यों है, पिछली बार मैंने खाई थी काली थी, उसको कुछ ना कुछ उसकी आंखों में खटकेगा। तो यू कांट हेल्प दोज पीपल, लेकिन इसको ज़रूर सपोर्ट हमें करना है। ये सिर्फ मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। अच्छा दोस्तों, दुनिया भर की लीडरशिप का ना आ गया, यस पुतिन की तो मजबूरी है हम समझते हैं, बाकी सबका, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फलाना डिमका, सब लोग यहाँ पे, ऋषि सुनाक सब यहाँ पे इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। शी जिनपिंग का कुछ, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, यार आपको शी जिनपिंग साहब प्रॉब्लम क्या है आपकी? मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये जो आपका असमंजस है इसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि मोदी जी आपको आड़े हाथों ले लेंगे, या फिर जो बाइडेन आपसे कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लेगा, या फिर ऋषि सुनक आपको बोलेगा कि साहब आप क्या कर रहे हैं ट्रेड के मामले में? क्या ये आपके दिल में कुछ धुक 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 हो रही है? हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शी जिनपिंग साहब आप इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं, क्या कारण है स्ट्रेस का ये बताइए। स्ट्रेस मुझे, मैं भी बताया पहले बहुत स्ट्रेस लेता था, बहुत स्ट्रेस लेता था, और इतना स्ट्रेस लेता था कि मेरे सर के बाल उड़ गए। 7 स्टेजेस होते हैं दोस्तों, 7 स्टेजेस होते हैं हेयर फॉल के, मैं 4th स्टेज पे था। वो तो भला हुआ ट्राया जैसे लोगों का जिन्होंने आके मेरी मदद करी, और फिर मैंने इनकी दवाई ली, इनका पूरा मेडिकेशन का प्रोग्राम शुरू करा, अब जाके रिकवरी मेरी शुरू हो चुकी है। शी जिनपिंग साहब आप भी आइए, आप भी इसमें शामिल होइए। देखिए ऐसा है ना कि जितना लेट करेंगे उतनी आपको दिक्कत होगी, जितनी देरी करेंगे उतनी दिक्कत होगी। टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस के कारण ही बाल उड़ते हैं,
ठीक है, मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि मेरे सर पे हेलीपैड बन गया है, अगर ट्राया वाले नहीं होते ना तो हेलीपैड की जगह यहाँ पे दिल्ली में टर्मिनल 3 तक एयरपोर्ट ने ऊपर टर्मिनल 4 बन चुका होता, लेकिन बच गया मामला। मैं शी जिनपिंग साहब को और भारतीय व्यूअर जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हेयर स्टेज के दोस्तों 7 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक तो बात बन जाती है, स्टेज 5 के बाद फिर सर्जरी होती है। यार बड़ा पेनफुल प्रोसेस है सर्जरी का, एक तो पेनफुल प्रोसेस है, दूसरा आपको पता है कि कितना सेफ है, कितना श्योर है, कितना क्या है उसका कुछ नहीं पता। हेयर सीधा ट्रांसप्लांट होते हैं, ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला। कहने की बात यह है कि जितनी जल्दी करोगे उतने फायदे में रहोगे, जितनी जल्दी ट्राया की मदद लोगे उतनी जल्दी फायदे में रहोगे। तो दोस्तों ये जो ट्राया की ट्रीटमेंट है एक होलिस्टिक और नेचुरल टाइप की ट्रीटमेंट है। होलिस्टिक यानी कि हर चीज़ को ध्यान में रखा हुआ, उदाहरण के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद यानी कि वो पुराने जो हमारे वेद पुराणों के जो उस समय के जो हमारी ट्रीटमेंट है, हमारी पूरी मेडिकल स्ट्रीम आयुर्वेद की पुरानी, उससे भी नॉलेज लेके। डर्मेटोलॉजी जो मॉडर्न 21st सेंचुरी की स्ट्रीम है, डर्मेटोलॉजी यानी कि हो तो कई सेंचुरी से डेवलप रही है लेकिन आज की तारीख में जो डेवलपमेंट है डर्मेटोलॉजी का वो तो उसके क्या ही कहने, उसको भी लेते हैं। और न्यूट्रिशन, देखिए ये हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, सारी बीमारियों की जड़ पेट है, आप क्या खाते हैं आपका पेट उसको आपकी बॉडी कैसे रिसीव करती है। तो तीनों का मिश्रण करके ट्राया वालों ने एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करी है जो बिल्कुल सेफ है दोस्तों और बिल्कुल होलिस्टिक है। 2.5 लाख से भी ज्यादा भारतीय ट्राया पर भरोसा करते हैं और इनके 93% कस्टमर्स ने रिजल्ट्स देखे हैं। तो दोस्तों डिले मत करिए, जितना डिले करेंगे उतनी आपको मुसीबत होगी। जैसा मैंने बताया 7 स्टेजेस हैं, 1st to 4 में अगर आप हैं कैसे पता लगाएंगे, आपको जाना है trya.health में और एक फ्री हेयर टेस्ट लेना है। उसके बाद दोस्तों एक कस्टमाइज्ड आपको किट मिलेगा 1 मंथ के लिए, यानी कि 1 मंथ का कस्टमाइज किट मिलेगा। और दोस्तों तीसरा स्टेप है कि आपका जो हेयर कोच है वो आपको एक फ्री डाइट प्लान देगा जिससे आप 5 से लेकर 6 महीने में पाएंगे फिनोमिनल हेयर रिजल्ट्स। हमारे व्यूअर्स के लिए खास स्कीम ट्राया वाले लाए हैं, आप जाइए वेबसाइट पे और 20TCD टाइप करिए, ये कूपन कोड है, आप ये टाइप करेंगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों ये सिर्फ 5 दिन के लिए लागू है स्कीम, सिर्फ 5 दिन के लिए। स्कीम को कैसे अवेल करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है। दोस्तों जहां पूरा ये G20 प्लान हो रहा है और वहां पे राफेल फाइटर जेट्स हैं और आपका एयर डिफेंस का कवर है, कमांडोज हैं NSG के और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज बिल्कुल रेड अलर्ट पे हैं और बार बार जहां पे हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन होटल्स को देखा जा रहा है, कोई सिक्योरिटी का ब्रीच तो नहीं हो सकता, हर सिनेरियो बैकग्राउंड में प्ले करा जा रहा है। सिक्योरिटी वाले कैसे होते हैं, वो बाल की खाल निकालने वाले एकदम बिल्कुल ना, वो मैंने इमेजेस भी देखी, टेलीविजन स्टूडियोज वो बीम कर रहे थे लाइव, वो हेलीकॉप्टर उतर रहा था होटल मेरिडियन की छत पर और पता नहीं क्या क्या बिल्कुल वहां पर हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा ना लोग ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग आएगा तो पक्के से पक्का जो तिब्बती हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, तो चाइनीज बड़े सेंसिटिव हैं जब टिबेटन्स प्रोटेस्ट करते हैं। दोस्तों चाइनीज कह रहे हैं कि टिबेटन्स को रोको, क्यों रोके उनको, तिब्बतियों को पूरा हक है, आई सपोर्ट टिबेटन्स, आई सपोर्ट द कॉज ऑफ टिबेट। चाइना ने जबरन कब्जा कर रखा है टिबेट पे एंड टिबेट इज अ कंट्री, हैज बीन अ कंट्री, विल ऑलवेज बी अ फ्री कंट्री एंड चाइना शुड गेट आउट ऑफ टिबेट, ये निकले वहां से। और टिबेटन भाइयों बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर प्रोटेस्ट, जो आएगा अगर ये शी जिनपिंग नहीं आया तो इसका प्रीमियर आएगा उसके होटल के सामने प्रोटेस्ट करना और दुनिया भर के कैमरास देखेंगे। पीपल शुड नो दैट द कॉज ऑफ टिबेट इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग एंड स्ट्रांग। दूसरी चीज ये है कि शेख हसीना के ऊपर थ्रेट्स हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, एग्जैक्टली किसने दी थ्रेट्स ये अभी तक पता नहीं लग पा रहा है लेकिन थ्रेट्स हैं शेख हसीना के ऊपर, जाहिर सी बात है ये थ्रेट्स रहते हैं। जब भी हेड ऑफ स्टेट ट्रैवल करते हैं तो थ्रेट्स रहते हैं बिकॉज वो उस लेवल पे होते हैं कि देयर डिसीजंस इंपैक्ट द वर्ल्ड, वो कुछ करते हैं किसी ना किसी को बुरा तो लगेगा ही, देखो आप सबका अच्छा बन के नहीं रह सकते। तो हेड ऑफ स्टेट के साथ ये खास प्रॉब्लम होती है कि कोई ना कोई किसी ना किसी की हिट लिस्ट में होता है, कोई ना कोई उनको मारना चाहता है या उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, दिस इज वेरी कॉमन, इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। एंड वील टेक केयर, वी वेलकम शेख हसीना, शी इज आर ऑनर्ड गेस्ट, हमारी बड़े जिसको कहते हैं कि यू नो शी इज लाइक अ सिस्टर टू इंडिया, हमारी बहन है, वो आए यहाँ पे, हम उनकी पूरी खातिरदारी करेंगे, उनका पूरा सम्मान करेंगे एंड वील टेक केयर ऑफ ऑल हर सिक्योरिटी एटसेट्रा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच में पट पट करके खालिस्तानी भी आ गए बीच में कि हम मेट्रो स्टेशन पे ना हम ग्रेफिटी बनाएंगे, हम कहेंगे खालिस्तान जिंदाबाद। अब एक बात बताओ, ये खालिस्तानी इतने दिमाग से पैदल हैं, ये मेट्रो स्टेशन पे कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कह रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे करेंगे। अरे बेवकूफ, जो बाइडन ने मेट्रो पकड़नी है, कहाँ जाएगा, 30,000 ही जाना उसने मेट्रो पकड़ के, या राजीव चौक जाएगा मेट्रो पकड़ के,
क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, ये मतलब आई डोंट नो व्हेन दीज खालिस्तानीज विल मेंटली मैच्योर, ये मेंटल मैच्योरिटी इनमें आएगी नहीं कभी, ये दिमाग से पैदल लोग हैं, ये मेट्रो स्टेशन पर हमला करेंगे और स्प्रे पेंट से लिखेंगे खालिस्तान जिंदाबाद, जैसे मेट्रो पकड़ने जब मेट्रो कार्ड लेके जो बाइडेन आएगा तो बोलेगा हाँ यार बात तो ठीक कर रहे हैं खालिस्तानी। यार मैं बता रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट अ कंट्री, यू डोंट इवन डिजर्व अ पार्किंग लॉट यार, यू डोंट इवन डिजर्व अ पार्किंग लॉट, इतना बेड़ा गर्क है तुम लोग खालिस्तानी। दोस्तों पाकिस्तान चलते हैं थोड़े समय के लिए। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत ज़बरदस्त सुसाइड अटैक हुआ है, मोटरसाइकिल पर बंदा आया, खुदकुश भेड़ दिया, वहाँ पर 9 फौजी अपने साथ ले गया, 9 फौजी पाकिस्तान के मर गए हैं। और लोगों को कहना है दर्जन नहीं तो एक्चुअल, जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है ना, एक्चुअल सोशल मीडिया वो कह रहा है कि 2 दर्जन से ऊपर जिसमें क्रिटिकली इंजर्ड बड़े सारे हैं। और सोशल मीडिया ये भी कह रहा है पाकिस्तानी कि ISPR जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है, जो प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज का, मीडिया प्रोपेगेंडा जो करता है वो कैजुअलिटीज छुपा रहा है, ऐसा पाकिस्तानी सोशल मीडिया का कहना है। लेकिन ये बार बार चीज़ें हो रही हैं और ये बार बार चीज़ें अफगानिस्तान के थ्रू हो रही हैं और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये पाकिस्तान कहता रहता है कि कलमा पढ़ के कौम बनी थी, नंबर वन, नंबर हम बड़ी जज्बे वाली कौम है, नंबर थ्री हम इंडिया की साजिश को नाकाम कर देंगे, बस यही सब यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, यही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, ठीक है, ये काम करके खुश नहीं है पाकिस्तानी। और फिर इतना बड़ा हमला हो गया और लोगों का ये कहना है कि जो हमले हुए हैं ना ये 3 figures क्रॉस कर गए, यानी कि 100 से ज़्यादा हमले, कोई कह रहा है 250 हमले हो गए, पता नहीं कितने हमले हो गए इनके, वेरियस काइंड्स ऑफ अटैक्स, कोई ड्राइव बाय शूटिंग हो गई, कोई सुसाइड अटैक हो गए, IED ब्लास्ट हो गया, मतलब हर एक किस्म का अगर हमला करें तो इट्स इन 3 figures। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टेररिज्म और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि इनको कंट्रोल कैसे करें यार, कंट्रोल कैसे करें। और पाकिस्तानियों को ये समझाना आम पाकिस्तानी को बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि हमारी फौज दूध की धुली है, वो तो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जैसी भोली कौम है ही नहीं, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर कि पाकिस्तानी जैसे चंट कौम कोई नहीं है, तेज तर्रार एकदम बिल्कुल, अपना पैसा अपने पैसे के लिए सगे भाई को बेच देने वाली कौम और कोई नहीं है। भाई इनसे पूछो क्यों अफगान तुमसे गुस्सा है, तुमने ऐसा करा क्या? वो नहीं जी, अफगान जो है जी वो तो एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश ये कहते हैं लाहौरी, एहसान फरामोश, इनको पता ही नहीं है कि असली कहानी क्या है। आपकी वजह से अफगानों के घर उजड़ गए, उनके मुल्क में आग लग गई आपके लालची जर्नलों की वजह से, और ये होना ही था। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी भी प्रकार का टेररिज्म, उसमें कोई हो फौजी मरे सिविलियन, आई डोंट सपोर्ट। हाँ, डायरेक्ट आप अटैक करिए, सामने पाकिस्तानी फौजी है और आपने उस पाकिस्तानी फौजी को डायरेक्ट फाइट में, वो भी फायर कर रहा है आप भी फायर करो, मैं ये चुपचाप किसी के बम लगा दिया, सुसाइड, आई डोंट सपोर्ट ऑल दिस, ये गलत चीज़ है, मैं कभी इसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता, एज अ सोल्जर आई कैन नॉट सपोर्ट, दिस इज डिसऑनरेबल। और मैं कहना चाहता हूँ जो भी TTP VTP ये कीड़े मकौड़े हैं ना जो पागल TTP वाले, मैं तो कभी इसको आई कैन नॉट थिंक ऑफ सपोर्टिंग, बट एक बात मैं कहूँगा पाकिस्तानियों से कि अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है ना आप उसको ज़रा रिविजिट करना, कभी सोचना ऐसा हो क्यों रहा है, कभी सोचना 1979 के पहले पाकिस्तान में कुछ नहीं होता था, ऐसा हुआ क्यों ये? भाई ऐसा है ना, जब आप किसी के घर में घुसोगे ना वो भी आपके घर में घुसेगा, जब आप 4 बार किसी के घर जाओगे चाय पीने ना तो 2 बार वो आपके घर भी आएगा चाय पीने के लिए। बस मैंने इतना बोल दिया, इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है, आप जाके पढ़िए इंटरनेट पे कि आपके जो शहरों में बम धमाके हो रहे हैं ये शुरुआत कब हुई, किसने पैसे लिए, किसने अमेरिकन से पैसे लिए, किसने CIA से पैसे लिए, किसने अमेरिका का एजेंडा चलाया, किसने पाकिस्तानियों की जो किस्मत है उस पर कालिक पोत दी, सोचना ज़रा इसके ऊपर। मेजर को गाली देना, मेजर के प्रोग्राम को गाली देना, मेजर ऐसा करता है, झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा, ये सब कहना बड़ा आसान है यार, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो देखो कमेंट्स में पाकिस्तानियों कि मेजर साहब असलियत ही है और ये मेरा प्रूफ है। पुरानी पाकिस्तानी बात मत कहना कि सभी जानते हैं, ये मत कहना, गिव प्रॉपर प्रूफ, लिंक आप पोस्ट करिए, मुझे पाकिस्तानियों आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों यहां पे हमारा वीडियो खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, और शी जिनपिंग साहब आपको भी, प्लीज पे अटेंशन। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें क्लिक करिए और फ्री हेयरफॉल टेस्ट लीजिए, और जो भी हमने प्रोसेस आपको समझाया वो लीजिए, आप 20TCD का कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करिए, ठीक है। और शी जिनपिंग साहब आप भी कूपन कोड इस्तेमाल करना 20% का, क्योंकि 20% डिस्काउंट इस वक्त जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी चल रही है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं यहाँ पे, तो आप भी 20% का डिस्काउंट ले लीजिए। ऑलराइट, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, आज वो बात कर रहे थे, एक तो G20 मीटिंग्स हो रही है 10 दिनों के लिए,
और वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन जैसा माहौल होगा तो होना भी चाहिए, क्योंकि देश की सिक्योरिटी और का मामला है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर सब होंगे, तो भारत की शान का मामला है, उनको बेहतरीन मेहमान नवाजी का मौका मिलना चाहिए और दूसरा कुछ भी ऐसी गड़बड़ को रोकने के लिए बेहतरीन, और तो जो अपोजिशन है वो करती रहेगी, वो ऐसे हसास मामला भी करते हैं वो करते रहेंगे। दूसरा बात की गई शी जिनपिंग की, वो आएंगे नहीं आएंगे, देखे जिनपिंग साहब को अभी थोड़ा सा ना वो डर लग रहा है इंडिया से, थोड़ा सा नहीं वो कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके पीछे वजह यही है कि भारत जिस तरह से उसकी इकोनॉमी बैठ रही है और भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसके पीछे वो वजह तलाश कर रहे हैं कि भारत ही कहीं ना कहीं वजह है। और कई सारे ऐसे मामलात हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में खटपट खटपट लगी रहती है, तो उस वजह से भी अब चाइना पता नहीं अब उसके बाद मुझे लगता है कि वो आ जाएगा एट द एंड, वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन खैर आएगा नहीं आएगा पता चल जाएगा, ना भी आए तो कोई इतना फर्क अब पड़ने वाला नहीं है। वो तकरीबन अभी मशवरे कर रहे हैं ना कि यार जाएं या ना जाएं। दूसरा पाकिस्तान में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, और अब ये एक वाकया नहीं है, ऐसे हजारों दर्जनों लाखों अब लाखों तक तादाद चली जाएगी, एक टाइम आएगा लेकिन हम आए दिन का वाकया उसको तसव्वुर करते रहेंगे। और वो एक फौज पे खुदकश हमला किया गया, हमारे जवानों की कीमती जानें उसमें चली गई हैं जो कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी सिक्योरिटी कोलैप्सी हैं। अगर हम सिक्योरिटी बेहतर मुहैया करें, अपने सिक्योरिटी पे तवज्जो दें, ना कि सिर्फ सियासत में ही अपनी तवज्जो रखें, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पकड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी तवज्जो सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियंस है, तो फिर ऐसे काम होते रहेंगे और ये खबरें हमें, ऐसी अफसोसनाक खबरें हमें सुनने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल जी, शी जिनपिंग जो है ना वो उनकी जो है ना वो आऊँ चाऊँ कहूँ अब चाऊँ चाऊँ में बदल रही है, तो यही सारी चीज़ें हैं कि अब उनको लाले पड़े हुए हैं कि भाई अब हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो अब कैसा बयानिया बनाएंगे, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल लीडर्स होंगे तो वो वहाँ पे जब पूछेंगे तो हम उनको क्या बताएंगे कि हमने ये आलमी जो मुईशत है उसके ऊपर जो हमने जो ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी क्या ट्रेजेडी है, हमने क्या आगे प्लान बनाए हुए हैं, तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से वो ना भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं कि यार ये वाली जो G20 है इसको हम मिस कर दें, वो छोटा जो है ना वो वहाँ पे लेवल जो है ना सफारतकारी लेवल जो है ना वहाँ वो भेज देंगे, तो वो कहेंगे कि जी चाइना का वफद भी आ गया है लेकिन सरबरा नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे सरबरा आने जो मेन मीटिंग हो रही है उसमें सारे सरबरा आएंगे, क्योंकि पहले जो छोटी मीटिंग्स हो रही थी उसमें वो जो सरबरा नहीं आते थे वो निचले लेवल के बंदे आते थे, वो हो चुका है, लेकिन इस दफा जो सरबरा आ रहे हैं तो इसमें जाना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई खामियां हैं तो आप वहां पे जाएं, आपके सामने आएंगी तो आप दूर कर लेंगे, तो इसमें आपका ही फायदा है। अगर आपके पास खूबियां हैं तो आप वहां पे जाएंगे तो आपकी खूबियां लोगों को नजर आएंगी, तब भी आपका फायदा है, लेकिन जब आप बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेंगे तो फिर नुकसान आपका ही है। कितनी देर भाग सकते हैं, आज भागेंगे कहां तक भागेंगे, तो नहीं भाग सकते। पाकिस्तान की तरफ देखिए, पाकिस्तान ने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं, तो आज देखिए धमाके दोबारा से शुरू हो चुके हैं, और हो कहां रहे हैं, कभी पुलिस लाइन में और कभी एयरफोर्स में, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हो रहे हैं, और जिन्होंने अवाम का जो है ना तहफ़्ज़ करना है वो अपने तहफ़्ज़ में नाकाम हो चुके हैं, तो इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। क्योंकि वजह ये है कि जो हमारा करने वाला काम है वो हम करते नहीं है, और जो दूसरे का काम है उसको करने नहीं देते, उसमें भी टांग अड़ाते हैं, तो जब हम किसी के काम में टांग अड़ाएंगे तो अपनी टांग को ही दर्द होगा। तो वही बात है कि हमारी अपनी टांगें जो है ना वो अब कांप रही हैं, तो कांपे टांग रही हैं या टांगें कांप रही हैं, अब ये सारी दुनिया को भी नजर आ रहा है, लेकिन हमें फिर भी होश के नाखून नहीं आ रहे, हमें फिर भी अकल नहीं आ रही, हमें फिर भी ये सोच नहीं आ रही कि भाई अब ही हम वो काम कर लें जो हमारे करने वाले हैं, जो दूसरों के करने वाले काम है उनको करने दिए जाना चाहिए, लेकिन अफसोस
कि उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, और दूसरी तरफ वो तिब्बत के बारे में कह रहे थे कि तिब्बत के ऊपर जो है ना वो नजायज कब्जा हुआ हुआ है, तो चाइना को वहां से जाना चाहिए। तो आजकल भाई चाइना वहां पे रोज मैप के ऊपर मैप जो है ना बना के उसके वो अपने मैप ही चेंज कर रहा है रोज, मीडिया के ऊपर जो है ना वो पब्लिसिटी कर रहा है कि भाई हमने ये जगह कर ली है, और सी के ऊपर भी, और ये सारा जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का ये सारा जो एरिया है उसके ऊपर वो अपनी जो है ना बयानियां बना रहा है। तो भाई बयानियां बनाने से तो या नक्शे बनाने से तो ऐसा कुछ नहीं बनता। नक्शे तो फिर ऐसे है कि हम अफगानिस्तान पे भी नक्शा बना देते हैं और चाइना पे भी आ रहे बना देते हैं कि ये हमारा है, तो ऐसा कहने से होता कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। जिस तरीके से आज इंडिया आगे बढ़ रहा है, दुनिया में डाउनफॉल हो रहा है, और इधर से आप देखेंगे बूस्ट हो रहा है, तो इस लेवल के ऊपर हमें काबिल बनना पड़ेगा। आप पाकिस्तानियों को खास तौर पे, चाइना में देखिए चाइनीज जो है ना वो फिर ही गुजारा होगा बिल्कुल जी। ये देखते हैं कि यार रात का 15 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, किसी के कान पे जूम भी लगी है, देखो ना पाकिस्तान का क्या जरूर है, क्या ऑप्शन है आपके पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ अगर 300 का 400 भी कर देंगे तो फिर भी आपके पास ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि जो गुलाम होते हैं गुलामों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि हम IMF के गुलाम हैं, आप अमेरिका के गुलाम हैं। तो इससे बेहतर था कि आप उन भाइयों के साथ रहते जिनके साथ आप रहते थे, ना इस मजहबी इंतहा पसंदी को आड़े आने देते और ना ही उनसे राहें जुदा करते, तो आज आपको किसी की गुलामी और ना सहनी पड़ती, लेकिन अपनों के जूते खाने की बजाय आप गैरों की लाते और मुक्के और घूसे खा रहे हैं, तो ये अजीब सी ही बात है। चले जी खैर, अब तो जो हो चुका वो हो चुका, अभी कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास, ऑप्शन यही है कि यहाँ से सिर्फ जिंदा भाग सकते हो तो भाग जाओ, और पाकिस्तानी इसमें लगे हुए हैं, जिसके पास ऑप्शन है वो कर रहा है, जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो बैठा हुआ यहाँ पे अपने गुस्से ही निकाल सकता है, और क्या कर सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अच्छी लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए